आज ये वीरनगर के लोग हैं यहाँ पे। कहाँ जा रहे हो आप लोग इधर? पहाड़पुर। पहाड़पुर क्या रोज जाते हो क्या काम? नहीं, आज बारात है। तो उस गांव को जाने का रास्ता यही है? हाँ जी, ज्यादा यही है। तो बारात लेके जा रहे हो? बताओ यार, आज बारात लेके जा रहे हो और आप लोग कैसे पार करोगे? गाड़ी जान जोखिम में डाल के। तो देख लो, ये हसनापुर का भीमकुंड का रास्ता है जो मेरठ से बिजनौर को जोड़ता है। ये बाराती हैं सारे लोग जो सज सवर के तैयार होके आए हैं, लेकिन उनके सामने उन्हें नहीं पता था कि ऐसी दुश्वारियाँ आएंगी, ऐसा जंजाल उनको मिलेगा जहाँ जान जोखिम में डाल के इन्हें पुल पार करना पड़ेगा। ये पार करनी पड़ेगी। छोटे छोटे जिला प्रशासन को सोचना चाहिए गंभीरता से। जल मंत्री दिनेश खटीक हैं यहाँ पे, उनको सोचना चाहिए कि इसका निराकरण हो, इसका समाधान हो। लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये रुकना चाहिए। पिछले साल भी एक किसान की और एक शिक्षक की जान चली गई इसी रास्ते को पार करते हुए नाव डूबने के कारण। तो ये गंभीर विषय है। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष भी हमारे हसनापुर के हैं, हमारे पिठौर के अध्यक्ष हैं, जिले की हमारी पूरी टीम है। तो अभी SDM साहब आए थे, उप जिलाधिकारी मामाना, उनको हमने दिखाया पूरा रास्ता और प्रशासन या PWD तत्काल इस पर काम करे, इतना ही हमारा कहना। मेरठ हसनापुर से बिजनौर को जोड़ने वाले लिंक रास्ता जो भीमकुंड जिसको बोला जाता है, भीमकुंड वाले रास्ते पे, ये मेरठ से बिजनौर को जोड़ता है और इस रास्ते से हजारों किसान जाते हैं। उन किसानों की जमीन है। हमारे साथ ही अम्मा है, ये अपने खेत में गई हैं। ये देखो, स्प्रे की मशीन है साथ में, चप्पल हाथ में लेके और इस पानी के बीच में ये लोग जाने को मजबूर है। ऐसे खेती किसानी करेगा इस देश का किसान? सरकार को सोचना चाहिए। ये इस साल बाढ़ नहीं आई, ये इस साल पानी नहीं आया, पिछले साल भी यहाँ पे पानी आया, उसमें एक शिक्षक की जान चली गई, एक किसान की जान चली गई, लेकिन प्रशासन ने काम नहीं किया। अभी उप जिलाधिकारी आए थे यहाँ पे, उनके साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया, हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो इस पे काम होना चाहिए। और काम सिर्फ कितना है कि यहाँ पे मोटे बड़े पाइप लग जाए, पानी इधर से आने वाला इधर पार हो जाए, लेकिन लोग परेशान हैं, जान जोखिम में डाल को खेती किसानी करने के लिए मजबूर हैं। अम्मा कितने साल उम्र होगी आपकी? और पिछले साल भी ऐसी व्यवस्था थी? हाँ, ऐसी थी, बहुत ज्यादा थी। तो रोज आप इसी रास्ते से जाना पड़ता है? हाँ, जाना तो है, पर जब हमारी रास्ता खराब हो जाए यहाँ कब मरे भैया, यहाँ तो खतरा ही है। बताइए, और अब खेती किसानी नहीं होगी तो कैसे चलेगा काम? चलेगा भैया, खेती बस ऐसी है जैसी। तो आप देखिए, ये विडम्बना है कि लोग परेशान हैं। तो मेरा जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस रास्ते को वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, हताश हैं, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आज हम अपने आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ में हमारे दो विधानसभा के, हसनापुर विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, जिले के हमारे तमाम पदाधिकारी हैं। तो ये ग्राउंड जीरो पे हम लोग आए हैं, तो इस पे काम होना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जिला प्रशासन जागेगा और इन किसानों की, इस बूढ़ी अम्मा की, इनकी बात सुनेगा। तो यहीं से आना जाना बड़े वाले पाइप निकल जाए।